हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश ठाकुर आपका इस पॉलिटी के वीडियो में स्वागत करता हूं और स्टडी ड्रिफ्टर चैनल पे भी आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में। आज आपको एक भारतीय संविधान की आधारभूत समझ, जिससे आप संविधान को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है जी। आज मैं किसी टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, ना विधानसभा, ना तो राज्यसभा, ना तो राज्यपाल। आज ये टॉपिक एक आधारभूत समझ बेसिस टॉपिक रहेगा। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान है, ये किन तत्वों की बात करता है। बहुत सी बुक्स पढ़ी होगी आपने, एम लक्ष्मीकांत, हमारी संसद, डीडी बसु। तो जहां तक हमने इन बुकों को पढ़ा तो इनमें पाया कि जो भारतीय संविधान है ये कहीं ना कहीं तीन तत्वों की बात कर रहा है। वो आर्टिकल हो या फिर भाग हो या फिर कोई भी पार्ट हो हमारे संविधान का, वो सिर्फ तीन चीजों के बारे में ही बात करता है। तो हम इन तीन तत्वों को देखेंगे जो हमारा भारतीय संविधान जिनके बारे में बात कर रहा है। तो देखते हैं हम ये तीन तत्व कौन कौन से हैं। पहला जो है ये है राज्य, दूसरा सरकार और तीसरा तत्व है व्यक्ति। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं जो हमारा संविधान है ये इन्हीं तीन तत्वों की बात करता है। आप जानते हैं भारतीय संविधान या तो राज्य को कोई आदेश दे रहा होगा, या सरकार को कोई उत्तरदायित्व दे रहा होगा, या तो फिर व्यक्ति के मूल अधिकारों का संरक्षण कर रहा होगा, या फिर व्यक्ति को कर्तव्य निर्धारण कर रहा होगा, या तो व्यक्ति के कर्तव्यों को निर्धारण कर रहा होगा, ठीक है जी। तो इन्हीं तीन तत्वों की बात हमारा संविधान करता है। तो इसमें हम देखते हैं जो राज्य है, पहले राज्य की बात करेंगे। आप जानते हैं कोई भी राज्य अगर बनता है तो उसके लिए चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वो चार चीजें क्या है उसको हम देखेंगे, फिर सरकार के बारे में देखेंगे, फिर व्यक्ति के बारे में देखेंगे। इसमें हम पूरा एक प्रारूप तैयार करेंगे भारतीय संविधान का, जिससे आप भारतीय संविधान को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और एक बहुत अच्छी समझ आपकी डेवलप हो पाएगी, ठीक है जी। तो चलिए, भारतीय संविधान में राज्य के बारे में क्या कहता है। तो राज्य के लिए आप जानते हैं चार तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहला है निश्चित भूभाग। आप जानते हैं अगर निश्चित भूभाग होगा और उस भूभाग में जनसंख्या, दूसरा जो बिंदु है इसमें जनसंख्या का होना बहुत जरूरी है, तीसरा सरकार का होना बहुत जरूरी है। सरकार कोई भी हो सकती है, सरकार लोकतांत्रिक भी हो सकती है, कुलीन तांत्रिक भी हो सकती है, ठीक है जी। और चौथा आता है संप्रभुत्व, ठीक है जी। तो ये चार तत्व हमारे राज्य बनने या बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इन चारों में से कोई एक भी ना हो तो वो राज्य राज्य नहीं कहलाएगा, ना तो वो राज्य बन पाएगा, ठीक है जी। आप जानते हैं संप्रभुता की अगर बात करें, तो संप्रभुता का मतलब होता है कि हम पर किसी भी चीज का कोई बाहरी दबाव ना हो। क्या हम संप्रभु है? हम संप्रभु नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स का दबाव है, तो हम अपने आप को संप्रभु नहीं कह सकते। तो हमारा भारत देश जो है एक संप्रभु देश है। आप जानते हैं 1947 से पहले यहां अंग्रेजों का राज था, तो हम संप्रभु नहीं थे, तो भारत एक उपनिवेशक देश था, ठीक है जी। अब अगर सरकार की बात करते हैं, हम ये सरकार को हम यहां भी देखेंगे, पर आप जानते हैं कि किसी भी राज्य में या कहीं भी सरकार का होना बहुत जरूरी होता है। सरकार का होना क्यों जरूरी होता है? ताकि अराजकता ना फैले। अगर आप जानते हैं सरकार, कानून, कायदे ना हो तो क्या होगा? अराजकता फैलेगी, लोग कानून को मानेंगे नहीं, किसी का प्रेशर नहीं होगा तो कोई डर भी नहीं होगा। आप जानते हैं अगर आप किसी को बोलते हैं कि आप ये काम मत करो, एक बार बोलते, दो बार बोलते हैं तो क्या होता है,
बार बार व्यक्ति नहीं मानता है, वो उसी काम को दोहराता है। जब आप कानून बना देते हैं कि अगर ये काम किया तो आपको इस टाइप की सजा मिलेगी, तो आदमी को डर रहता है। ठीक है, यही तात्पर्य है यहाँ पे सरकार और संविधान का। अगर संविधान सरकार होगी तो व्यक्ति को डर रहेगा, गलत काम नहीं करेगा किसी भी प्रकार से। तो चलिए इस सरकार के बारे में हम अब यहाँ पे बात करते हैं। सरकार से पहले आप एक चीज और समझ सकते हैं, भारतीय संघ। भारतीय संघ, आपने देखा है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, 29 इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है जी, इससे पहले हम भारतीय संघ के बारे में देखते हैं। भारतीय संघ, इसी से जुड़ाव रखता है ये। तो आप जानते हैं, ठीक है जी, भारत जो है राज्यों का संघ है। संघ से तात्पर्य क्या है? संघ से तात्पर्य है कि भारत का जो निर्माण है वो विलय के कारण हुआ है। इसमें संघ से तात्पर्य यह है कि जो एक बार भारत में मिल गया वो उसका एक इंच भी अलग नहीं हो सकता। संघ से तात्पर्य यह है कि एक बार यदि कोई राज्य भारत में विलय हो गया तो वो फिर अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता है। अगर आप देखें यूएसए की बात करें तो यूएसए में हर राज्य को, हर स्टेट को अपना अधिकार मिला हुआ है, समान अधिकार मिला हुआ है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है जी, भारत में ऐसा क्यों नहीं है? संघ को भी अगर हम देखें तो संघ के भी दो प्रकार हैं। संघ एक केंद्र में और एक राज्य। ठीक है जी, तो यहां पे हम बात करें केंद्र के संघ की। तो केंद्र सरकार ने, आप जानते हैं, सारे जो महत्वपूर्ण मामले हैं सबकी पावर अपने पास रखी हुई है। क्यों? क्योंकि भारत में क्या है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता के कारण ही केंद्र सरकार ने सारी पावर अपने पास रखी हुई है, राज्य को उतनी महत्वपूर्ण पावर नहीं मिली है। ठीक है जी, जैसे कि केंद्र सरकार के संदर्भ में देखें तो जितने भी आपके वित्तीय मामले या फिर डिफेंस मामले या फिर रेलवे हो गया या फिर परमाणु मामले, जो भी महत्वपूर्ण मामले हैं वो सारे केंद्र सरकार के पास है। राज्य को हमारे यहाँ कम पावर मिली है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं भारत में एकल नागरिकता है। अब भारत में एकल नागरिकता क्यों है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में 29 राज्य है और 29 के 29 राज्यों में बहुत सी विविधता है। विविधता किस प्रकार से? हर राज्य में अलग अलग भाषा है, भाषा के आधार पर विविध है, कल्चर के आधार पर विविध है। ठीक है, इसी कारण भारत में एकल नागरिकता है। भारत में सभी राज्यों को समान अधिकार क्यों नहीं दिए? ताकि भविष्य में जाके यहाँ विभाजन की स्थिति पैदा ना हो। ठीक है जी, अगर यहाँ हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में सबको समान अधिकार है, हर राज्य को समान अधिकार है। क्यों? क्योंकि एक धर्म, एक कल्चर, एक भाषा, यही कारण है कि यूएसए के हर स्टेट के पास अपना अधिकार है और भारत के पास नहीं है। आप राज्य के संदर्भ में देखें तो आप जानते हैं यहाँ अगर गवर्नर की नियुक्ति भी करनी है तो वो भी राष्ट्रपति करता है। तो यहीं से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि राज्य के संदर्भ में कितने अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम सरकार की। उम्मीद करता हूं आपको संघ समझ आ गया होगा और राज्य के बारे में जो बताया आपको वो अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब सरकार की बात करते हैं। सरकार के बारे में आपको बता दिया मैंने कि सरकार जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सरकार नहीं होगी तो अराजकता फैलेगी। ठीक है, तो सरकार को अगर हम देखें तो सरकार के तीन महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है जी, ये तीन बिंदु सरकार के बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इन्हीं तीन बिंदुओं के सम्मिलित रूप को ही क्या बोलते हैं? हम सरकार बोलते हैं। ठीक है जी, अब देखो इसमें हम अगर देखें कि विधायिका, ये विधायिका क्या होती है? विधायिका की बात करें, जो कानून बनाती है, जो विधि का निर्माण करती है, जो
विधि का निर्माण करती हो, वो हमारी विधायिका है यानी कानून बनाती हो। अगर कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका इस कानून को, जो विधि के द्वारा बनाया गया कानून, उसको इंप्लीमेंट करती है। इंप्लीमेंट कौन करता है? कार्यपालिका। जो विधि के द्वारा, जो विधायिका के द्वारा बनाया कानून, उसको लागू कौन करता है? कार्यपालिका। और न्यायपालिका का क्या काम होता है? न्यायपालिका का काम होता है कि जो कार्यपालिका ने कानून लागू किया है उसका पुनरावलोकन करना, उसका पुनरावलोकन करना, उसका निरीक्षण करना कि वो व्यक्ति के अधिकार में तो है या नहीं है, व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, या फिर व्यक्ति के अधिकारों को किसी तरह की क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है, इसकी पुष्टि करने के लिए न्यायपालिका काम करती है। ठीक है जी। तो यहां अगर हम विधायिका के बारे में देखें, अब तो विधायिका दो स्तर पे होती है। डायग्राम को समझेंगे आप, एक तो केंद्र स्तर पे, केंद्र की विधायिका, और एक राज्य की विधायिका, केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका। तो यहां पे आप देखते हैं केंद्र की विधायिका में आता है संसद, संसद, और संसद आपको पता है द्विसदनीय है, द्विसदनीय, द्विसदनीय 1919 के अधिनियम में इसको द्विसदनीय बनाया गया था। ठीक है जी। अब संसद के दो जो सदन है वो सबको पता है, आप जानते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। तो लोकसभा के संदर्भ में अगर बात करें हम, तो लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, और राज्यसभा जो हमारा उच्च सदन है। ठीक है जी। लोकसभा को प्रथम सदन भी बोलते हैं, प्रथम सदन। जब हम लोकसभा अलग से पढ़ेंगे, राज्यसभा अलग से पढ़ेंगे, ये इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, यहां पे एक समझ आपको आए, मतलब कि आपकी एक समझ डेवलप हो, उस चीज के लिए ये डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे आप देखिए, लोकसभा को कुछ एक स्पेशल राइट, लोकसभा को कुछ एक स्पेशल राइट है, वो क्या है? जैसे आप जानते हैं लोकसभा को जो स्पेशल राइट मिला हुआ है, जो स्पेशल अधिकार मिला हुआ है, वो क्या है? मनी बिल, मनी बिल हो गया। मनी बिल आपको पता है लोकसभा में पेश होता है। दूसरी अगर बात करें तो जो मंत्री परिषद होती है, जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके स्पेशल अधिकार की, तो आप जानते हैं जितने भी प्राकलन कमेटी के जो भी सदस्य होते हैं वो सारे कहां से होते हैं? वो लोकसभा से होते हैं। प्राकलन कमेटी के सदस्य लोकसभा से होते हैं। यहां पे अगर हम इनके सदस्यों की संख्या की बात करें तो 552 लोकसभा में कितने होते हैं? 552, जिसमें से 530 राज्यों से चुनकर आते हैं, और 530 राज्यों से चुनकर आते हैं, और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं, और जिनमें से आप जानते हैं 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के होते हैं, 20 यूनियन टेरिटरी स्टेट और 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है जी। तो ये लोकसभा के संदर्भ में थोड़ा सा था। अब राज्यसभा के बारे में देखो, तो राज्यसभा को द्विसदन, द्वितीय सदन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो जनता के द्वारा चुनकर नहीं आते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने विधायिका को देखा, संसद में लोकसभा और राज्यसभा। अब ये तो होगी केंद्र की बात, अब बात करते हम राज्य, राज्य की बात करें तो राज्य की विधायिका में अगर देखे तो यहां पर आपको मिलेगा राज्य में, इसके भी दो प्रकार हैं, एक तो विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। ठीक है जी। विधानसभा और विधान परिषद, आप जानते हैं जो विधानसभा है ये हर राज्य में नहीं होती, विधानसभा
हर राज्य में नहीं होती है। अगर हम अपने एचपी की बात करें तो आपको पता है विधानसभा की 68 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है जी, और ये लोकसभा की ही तरह होती है, ये एक टाइप से लोकसभा की तरह स्थिति रखती है। और यहाँ विधान परिषद की बात करें, इसको उच्च सदन भी बोलते हैं, ये निम्न सदन है, उच्च सदन से भी इसको जानते हैं। और यहाँ आपको पता है, अगर एक पॉइंट देखें कि इसको द्वितीय सदन भी बोलते हैं, द्वितीय सदन भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो विधान परिषद के बारे में हमने देखा, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमारा संविधान इन्हीं तीन चीजों की बात करता है। हर जगह वो आर्टिकल हो या भाग हो या कोई भी, कहीं से भी उठा लो आप, कोई भी आर्टिकल पढ़ो, या तो सरकार की बात कर रहा होगा, या तो राज्य की बात कर रहा होगा, या तो फिर व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य की बात कर रहा होगा। तो ये लेक्चर आपके लिए एक बहुत आधारभूत समझ बनाएगा। उम्मीद करता हूं आप इसे अच्छे से समझिए और इसे समझने की पूरी कोशिश करिए। तो कार्यपालिका की अगर हम बात करें, कार्यपालिका के संदर्भ में अगर देखें हम, ठीक है जी, कार्यपालिका क्या होती है, जो विधायिका के द्वारा बनाए कानून उनको लागू कौन करता है, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका एक होती है स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, और दूसरी जो कार्यपालिका है वो है अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है जी। तो आप जानते हैं जो स्थायी कार्यपालिका होती है ये कानून लागू करती है, जो स्थायी कार्यपालिका होती है ये कानून लागू करती है, ठीक है जी। और जो अस्थायी कार्यपालिका है, आप जानते हैं अस्थायी कार्यपालिका को जो हेड होता है, इसमें सबसे ऊपर राष्ट्रपति, केंद्र की कार्यपालिका की बात कर रहा हूं मैं, केंद्र की अस्थायी कार्यपालिका की बात, तो यहां पे राष्ट्रपति, फिर इनके बाद आते हैं मंत्रिपरिषद। आप जानते हैं मंत्रिपरिषद के जो हेड होंगे वो पीएम होंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहां पे आते हैं महान्यायवादी। आप जानते हैं ये जो महान्यायवादी है ये सरकार का एक वकील होता है, ये सरकारी वकील की तरह काम करता है। इसको क्या है, सैलरी नहीं मिलती है, इन्हें महान्यायवादी जी को सैलरी नहीं मिलती, इन्हें पारिश्रमिक मिलता है। सैलरी मतलब कि इन्हें संचित निधि से पैसा नहीं आता है, इन्हें पारिश्रमिक मिलता है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्यों में महाधिवक्ता, ठीक है जी। तो ये तो होगी हमारी अस्थायी कार्यपालिका की बात और केंद्र कार्यपालिका की बात। अगर राज्य में देखें तो राज्य में आप जानते हैं राज्य परिषद आएगी, ठीक है जी, और राज्यपाल आएंगे, तो ये राज्य की कार्यपालिका में रहेगा। यहां महाधिवक्ता ये सभी देखो आप जानते हैं ये न्यायपालिका का भाग है, न्यायपालिका का भाग है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कार्यपालिका से जुड़ाव रखते हैं, ठीक है जी। तो ये था न्याय कार्यपालिका। तो अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका के बारे में सभी जानते हैं कि हमारे न्यायपालिका के यहां तीन स्तंभ है, मुख्य जो तीन स्तंभ है, जिसमें से आप जानते हैं देखिए सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है जी। ये तीन स्तंभ न्यायपालिका के हैं। ये किस चीज की बात करते हैं, ये देखो व्यक्ति को न्याय की बात कर रहे होंगे, या तो फिर सरकार के बारे में बात कर रहे होंगे, या व्यक्ति के अधिकार की बात कर रहे होंगे, या फिर व्यक्ति के कर्तव्य की बात कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, ये न्यायपालिका के तीन प्रमुख स्तंभ है। चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, क्योंकि वो सरकार का क्या करता है, प्रसारण करता है, ठीक है जी। तो ये न्यायपालिका के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं हम लास्ट जो है व्यक्ति। तो व्यक्ति के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है,
तो देखिए, आप जानते हैं हमारे संविधान में या तो व्यक्ति के अधिकार की बात हो रही होगी या फिर व्यक्ति के कर्तव्य निर्धारित किए जा रहे होंगे। ठीक है जी। तो व्यक्ति की दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? या तो अधिकार होगा या तो दायित्व, या तो दायित्व होगा, ड्यूटी होगी। ठीक है जी। तो देखिए, व्यक्ति की ये दो चीजें, और राज्य का काम ही रहता है कि वो व्यक्ति को एक पहचान देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नागरिकता। जो नागरिकता, आपको पता है हमारी पहचान हमारी नागरिकता है। जहां भी हम जाएं हम क्या दिखाते हैं, आधार कार्ड निकाल के दिखाते हैं, ये हमारी नागरिकता है, हम इस देश के नागरिक हैं। ठीक है जी, वही हमारी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे संविधान में जो है, ये व्यक्ति, सरकार और राज्य, ये सभी आपस में कोरिलेट है, एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं। आप उठा के देखो कोई भी भाग, या तो वो राज्य की बात कर रहा होगा, या तो फिर वो सरकार की बात कर रहा होगा, या तो फिर वो व्यक्ति के अधिकार की बात या फिर कर्तव्य की बात कर रहा होगा। जैसे हम जानते हैं भाग एक को देखे तो, भाग एक में क्या है, भाग एक में आपको मिलेगा राज्य का संघ। ठीक है, भाग एक में राज्य का संघ। भाग दो देखे तो नागरिकता की बात हो रही है, भाग तीन देखे तो मूल अधिकारों की बात हो रही है, भाग चार में देखे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात हो रही है, पांच की बात करें तो संघ की बात हो रही है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ाव रखती है। जहां तक मैंने पाया कि ये जो हमारा भारतीय संविधान है, ये हमेशा इन तीन तत्वों की ही बात करता है और इन तीन तत्वों में ही सिमट जाता है पूरा हमारा संविधान। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक ही अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है जी। और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूले। आप लोग इस वीडियो पे मुझे अपनी प्रतिक्रियाएं दें, यही आपके और मेरे बीच का तालमेल रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।